सुशांत मेहरा, हमारे सहयोगी ने विजेंद्र गुप्ता से बातचीत की है, जरा सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, आतिशी ने बतौर मुख्यमंत्री की पद की शपथ जो है वो ले लिया, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि ये तो सिर्फ एक रसम अदायगी है। सरकार तो रिमोट से चलेगी, डम्मी सेटअप है। लोगों को एक चुनी हुई सरकार जिसकी अपेक्षा होती है जो अपने विवेक से फैसला ले, ऐसा नहीं है। और पिछले 8 महीने का हिसाब चाहिए। जो जेल से सरकार चलाने की बात की थी तो दिल्ली में सरकार नहीं चली, 50 लोग मर गए उन पानी के भरने से, उस बारिश से, थोड़ी सी बारिश से। उसका जवाब भी केजरीवाल जी को ही देना है। हमारे सवाल आज भी केजरीवाल जी के सामने है और दिल्ली के अंदर जो कुशासन है उसकी जिम्मेदारी भी केजरीवाल की है। रिमोट की आपने बात करी, कौन सा रिमोट? कैसे रिमोट? तो देख, टीवी जैसे आज तक चलता है ना रिमोट से, और रिमोट से बंद होता है, तो टीवी का अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है रिमोट में है। तो रिमोट है केजरीवाल के हाथ में। जो सरकार के मुखिया, पार्टी के मुखिया खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो एक साफ शासन देने की स्थिति में कैसे हो सकते हैं? क्या लगता है कि आतिशी अगले जो 4 से 5 महीने का वक्त है उसमें कामकाज कर पाएंगे? मुझे तो लगता है कि जो भी एजेंडा सेट करेंगे ये लोग, वो सिर्फ एक रसम अदायगी होगी, क्योंकि एक तरह से केजरीवाल जी का जो रेजिग्नेशन है वो एक तरह का एक्सेप्टेंस है करप्शन का, और ये मजबूरी में दिया हुआ रेजिग्नेशन है। ये कोई उसको आप पोस्टरिंग कुछ भी करें, लेकिन आप देखिए, ये बात तो सही सिद्ध हो गई कि जेल से सरकारें नहीं चलती हैं, और जो भ्रष्टाचार करेगा और भ्रष्टाचार में फंसेगा तो उसको तो सत्ता छोड़नी ही पड़ेगी। और केजरीवाल जी ने 6 महीने कोशिश की कि मैं सत्ता से, कुर्सी से चिपका रहूं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सत्ता से अलग होना पड़ा, क्योंकि सरकार कभी ना जेल से चल सकती है और ना ही किसी मुजरिम के हाथों चलाई जा सकती है। आखिरी सवाल, आज कई सारे विषयों में जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके साथ थे, और कई सारी फोटो जो है वो सामने आ रही, इसमें अरविंद केजरीवाल आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो आपसे बातचीत थी, क्या मुस्कुराहट भी थी चेहरे पर? मेरे पास बैठे हैं, जेल से आए हैं, तो 6-8 महीने बाद तो जरा ताजा हवा में सांस ले रहे हैं, तो बस यही है। पहले जेल पे थे, अब बेल पे हैं। चर्चा भी काफी ज्यादा चल रही थी, हंसी मजाक भी चल रहा था, कुछ मजाकिया भी था, कुछ क्या कुछ खास? देखिए, कार्यक्रम है, साथ बैठे हैं, कुछ कह रहे हैं मुझसे तो मुझे सुनना है, और जितना संभव हो कम से कम जवाब देना है। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी हैं। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी, इनका साफ तौर पर कहना था कई सारी लीकों की चर्चाएं जो है वो हुई, लेकिन सीधे तौर पर आतिशी से कई सारे उम्मीद के साथ जो है वो नई सरकार जो है वो आई है, देखते हैं कि कितना काम काज जो है वो होगा, लेकिन एक डमी के तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगी आतिशी। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। दो बार सवाल पूछकर हमारे संवाददाता ने अंदर की बात निकालने की कोशिश तो की, लेकिन किनारे से विजेंद्र गुप्ता यहां से निकल गए। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अरविंद केजरीवाल अब राजभवन से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री, अब यहां से जाते हुए राजभवन से आतिशी, जो कि नई मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली की बन चुकी है, वो भी बैठी हुई है इसी एक ही गाड़ी में, दोनों इस वक्त निकलकर जा रहे हैं, और ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं। आगे की सीट पर वो बैठी हैं, पीछे की तो इन तस्वीरों के जरिए, और इसी में डिप्टी सीएम पूर्व मनीष सिसोदिया भी इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो आशुतोष जी, ये बताने की कोशिश है कि देखिए, ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट यानी कि आगे की सीट पर आतिशी ही है, कोई गलत फहमी नहीं पाले, अरविंद केजरीवाल यही बता रहे हैं। बट बैक सीट ड्राइविंग कौन कर रहा? देखिए, ओरिजिनल मुख्यमंत्री और ओरिजिनल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दोनों पीछे हैं, आगे आप बैठे रहिए, मैंने आपका चेहरा आगे है लेकिन पीछे से। देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ, अभी मुझे लगता है कि ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी को कोई बहुत फायदा नहीं पहुँचाती। अगर ये परसेप्शन ये बनेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो किसी और के कहने पे चल रही है, तो मुख्यमंत्री की गरिमा को भी नुकसान पहुँचता है और आतिशी की अपनी पर्सनैलिटी को भी नुकसान पहुँचता है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, ऐसा कोई लीडर नहीं होगा, मंत्री नहीं होगा जो अपने सर्वोच्च नेता से सलाह मशविरा ना करता हो। सब करते हैं, कोई ये कहे कि ऐसा नहीं होता। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है
तो क्या आरएसएस से सलाह मशवरा नहीं होता? होता है, लेकिन अगर ये परसेप्शन बन जाए पूरी तरीके से कि आरएसएस ही सरकार को कंट्रोल कर रहा है या बाला साहब ठाकरे ही शिवसेना की सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर उससे नुकसान होता है, फिर लोगों को लगता है कि इस मुख्यमंत्री पावरलेस है। लेकिन इसमें कोई छिपी हुई तो बात नहीं है ना, इसमें क्या छिपी हुई? एक बार एक छोटी सी टिप्पणी का देखिए, सत्ता एक ऐसा लाशा है, गोंद जिसे कहते हैं, जब एक बार आदमी उस कुर्सी पर पहुंचता है ना, तो अपने मेंटर को सबसे पहले, राजनीति का एक पहला वसूल है, अपने मेंटर को सबसे पहले धक्का देता है। ये कोई आवश्यक नहीं कि सब कोई ऐसा ही करे और आतिशी भी ऐसा ही करें, लेकिन हम जब चंपई सोरेन का किस्सा जब आया था, हमको लगा था कि खड़ाओं को ज्यों कहते हो लौटा देना, तो भरत कहने के लिए जरूर होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर जब नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ करके और दूसरे को बनाया, तो जब वो हटे तो अपना सारा भड़ास निकालते हुए हटे। देखिए एक वैसे ही चंपई सोरेन जो है वो झारखंड में जब हटे तो लगा था कि ये बड़ा स्मूथ जो है वो ट्रांजिशन हुआ पावर का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पन्नीर सेल्वम भी तो मुख्यमंत्री बने थे, उनके फोटो। लेकिन आप एक बात ये भी समझिए ना कि जब बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया, बिल्कुल, तब तो कुछ नहीं हुआ। देखिए दिल्ली की स्थिति में आम आदमी पार्टी ने, वो पार्टी थी, वो कार्डर बेस्ड पार्टी है, और वहां पे दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की पॉलिटिक्स और अरविंद केजरीवाल और जो आतिशी के बीच का जो कुछ रिलेशनशिप है, वो बिल्कुल अलग तरीके की रिलेशन है। वहां आप ये उम्मीद नहीं करिए कि जीतन राम मांझी हो जाएंगे चंपई सोरेन, वो मैं नहीं मानता। मैं दूसरी बात करूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की गरिमा होती है, आप उसको कमजोर मत करिए, भले ही पीछे से जो कुछ भी। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी जो है वो बिना अरविंद केजरीवाल के सलाह के कोई फैसला करेंगे, लेकिन अगर ये बात पब्लिक होती है तो उससे मुख्यमंत्री की कुर्सी की गरिमा को नुकसान पहुंचता है। लेकिन यहां आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्या हो गया है? मतलब जितने भी चेहरे अब तक मीडिया कैमरे में सामने आए, सबका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, इस वजह से ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आ रही हूँ, ये अच्छी स्थिति कतई नहीं कही जा सकती। आतिशी के तौर पर नई मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को अगर मिलती है तो आप उनकी बात करने के बजाय आम आदमी पार्टी कामकाज कैसे करेगी उसके बजाय आप बार बार सारा जोर इस बात पर दे रहे हैं कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, इस वजह से आपको कामकाज करना है। यह स्थिति आशुतोष जी तो ठीक नहीं होगी दिल्ली के लिए, नहीं, नहीं, बिल्कुल, आतिशी के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भी ये स्थिति ठीक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए आपको 10 साल की इनकंबेंसी को भी न्यूट्रलाइज करना होता है ना, और अगर अरविंद जी हट रहे हैं तो उससे एक ये भी होता, चलो एक नया फेस आया है, नए तरीके से काम होगा, उनके उनको लेके अगर कहीं किसी के लोगों की नाराजगी भी न्यूट्रलाइज होती है। लेकिन अगर ये परसेप्शन जो बार बार बनाने की कोशिश की जा रही है, हमें अरविंद केजरीवाल को लेके जाना है, इसकी जगह अगर ये कहते हमें दिल्ली की सेवा करनी है और अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद से हम दिल्ली की सेवा करेंगे, तो शायद ज्यादा बेहतर नैरेटिव।